नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली, पांचों विधानसभाओं में हलका अनुसार बैठक ली। दुष्यंत चौटाला ने बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में जननायक जनता पार्टी व आम आदमी पार्टी का गठबंधन बना लोगों के लिए बेहतर विकल्प। जेजेपी का विधानसभा चुनाव के लिए करना काम करना मुख्य लक्ष्य। वहीं जेजेपी को कम आंकने वाले और 6 महीनों में खत्म होने की बात कहने वालों के मुंह पर ताला लगा। पल पल शीर्षक से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। जजपा नेता और हिसार के जेजेपी प्रत्याशी दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जजपा और आप आदमी पार्टी का विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आई है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में लोग जेजेपी को कम आंकते हैं, अंडर एस्टिमेट करते थे और यह कहते थे कि जेजेपी 6 महीने में खत्म हो जाएगी, उनके मुँह पर ताला लग चुका है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है और यही वजह है कि अभी से उनकी पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं उन्होंने कहा कि पांचों विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं की हलका के अनुसार बैठक बुलाई गई है। बैठक में कार्यकर्ताओं का जमीनी स्तर पर बेहतर काम करने का आभार जताया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन और मजबूत बनाया जा सके, इसके लिए मजबूती से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं उन्होंने फरीदाबाद में एक बूथ कैप्चर करने का वायरल वीडियो पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह सरासर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को न केवल दोबारा मतदान करवाया जाना चाहिए बल्कि इसमें जो भी अधिकारी शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर उन्होंने दावा किया है कि उनका गठबंधन कांग्रेस और भाजपा से ज़्यादा सीटें जीतेगा। चुनाव में हर सीट पर कांटे का मुकाबला है और चुनाव में उनका गठबंधन एक सरप्राइज परिणाम देगा। उन्होंने पंजाब में प्रचार करने के लिए कि अगर मुझे कहेगी तो मैं करूंगा और मेरे जो भी नेता है वो भी पंजाब में प्रचार करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी और जेजेपी का गठबंधन है। दिल्ली में भी जेजेपी ने प्रचार किया है। वहीं इस मौके पर इनेलो के प्रदर्शन पर पूछे गए एक सवाल में टिप्पणी करने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि 23 मई को जनता फैसला कर देगी। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। कि जो लोग हमें अंडर एस्टिमेट करते थे कि 6 महीने में क्या कर दिखाएंगे, आज उनके कहीं ना कहीं मुझे ताला भी लगा है और प्रदेश में एक अल्टरनेटिव के तौर पर लोगों ने जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के इस गठबंधन को देखने का काम किया। अब तो जिसकी किस्मत में जो है वो तो ईवीएम में पैक हो लिया और 23 तारीख को सब आपके सामने होगा। और मैं ये मानता हूँ कि आज हमारा लक्ष्य जो विधानसभा के चुनाव है उसके ऊपर काम करना है और उसी उद्देश्य के साथ आज जैसे हमने कालावाली के अहमदाबाद के सिरसा के जो कार्यकर्ता थे जिनने बूथ पे काम करा, जिनने डोर टू डोर किया, आज उन सबसे चर्चा भी करी है एक एक सीट के ऊपर क्या परिस्थितियाँ हैं, क्या वोटिंग पे पोलिंग किया ट्रेंड रहे और सबका धन्यवाद भी किया। उनको यही काम दिया है कि आगे मजबूती के साथ दोबारा लग जाए। क्योंकि हमने भी चौधरी देवीलाल जी से एक चीज़ सीखी है कि फौजी जैसे बैरिक में जूते पहन के सोता है, हमें भी वो टारगेट लेकर चलना है कि आगे और मजबूती के साथ विधानसभा में संगठन को पहले मजबूत किया जाए और फिर चुनाव लड़ा जाए। ईवीएम का सवाल उठाया जाएगी, उनकी सुरक्षा लेकर जैसे अशोक तंवर ने ये भी आरोप लगाया, यहाँ पे शिकायत किया डीसी को, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, एक सरपंच ने वायरल किया, इस तरह की शिकायतें आई। देखो एक कंप्लेंट आई है फरीदाबाद की जहाँ बाकायदा प्रॉपर बूथ एजेंट मल्टीपल वोट्स डालता हुआ दिखता गया है। ये तो इलेक्शन कमीशन को तुरंत प्रभाव से उस बूथ को रीपोलिंग में ले जाना चाहिए और ऐसे लोगों के विरुद्ध स्पेशली जो पोलिंग अफसर रहा था, पोलिंग पार्टी थी जिनकी निगरानी में चुनाव हो रहा था और ऐसे लकुनाज देखे गए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। निष्पक्ष चुनाव के लिए सबसे जरूरी है कि मत के अधिकार को जो वोटर है उसके हाथ में रखा जाए। मैं ऐसे मल्टीपल वोट्स एक पोलिंग एजेंट डाल रहा है ये अपने आप में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग था। आप कितना दावा कर रहे हैं 10 सीटें हारे हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि अधिकतम कांग्रेस और बीजेपी से फालतू सीटें जीतने का काम हमारे गठबंधन करेगा। हिसार में कांटे का मुकाबला है? कांटे का मुकाबला कहाँ नहीं, आज सोनीपत ले लो, बिहानी ले लो, कुरुक्षेत्र ले लो, हिसार ले लो। मैं ये मानता हूँ सिरसा के अंदर भी जिस तरह का रिव्यू अभी मैंने वर्करों से लिया है, दो हल्कों के वर्करों से चर्चा करी, मैं मानता हूँ कि सरप्राइजिंग वोटिंग ट्रेंड भी शायद देखने को मिल जाए और एक सरप्राइजिंग जीत के साथ हमारा गठबंधन आगे बढ़े। आपका पार्टनर पंजाब में चुनाव लड़ रहा है, क्या आप ही प्रचार करने जाएंगे? देखो अगर कहीं जरूरत पड़ी उनको, कहीं लगा
कि अगर हमारे जाने से वेट होगा, दिल्ली के अंदर बिल्कुल हमारे दिल्ली के यूनिट में उनकी मदद करी है, जैसे ही कोई संदेश आएगा केजरीवाल जी की तरफ से जरूर। ठीक है, आपकी पुरानी पार्टी इनेलो है, क्या लगता है कि खाता खोल 23 तारीख को आपके सामने होगी, क्या स्थिति होगी उनकी? मैं क्या टिप्पणी करूँ, तो जनता ने स्थिति बना के डब्बे में डाल दी।